हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। आज मैं जो प्लांट शेयर कर रही हूँ ये मेरे पास था तो बहुत साल पहले मैंने इसको ग्रो किया था, शायद एक जैसे नर्सरी से नहीं, जो गली में भैया आते हैं एक टोकरी में लेके आते हैं काफ़ी सारी प्लांट्स, उनके पास 10-10 रुपये में होते हैं, तो उनसे मैंने ये प्लांट लिया था और कुछ टाइम बाद अच्छी हुई ग्रोथ और उसके बाद इस पर फूल आए थे और शायद एक दो साल आते रहे थे, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा मतलब कि अभी जब मैंने इस प्लांट को छोड़ा था उससे एक साल पहले, इसने बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं की और धीरे धीरे फ्लावरिंग बहुत कम हो गई थी और होते होते फिर बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। तो मैंने इस प्लांट को निकाल देना था, सोचा था कि निकाल दूँगी क्योंकि ऐसे पॉट चाहिए होते हैं तो लगता है कि फूल नहीं आ रहे हैं। प्लांट वैसे भी ख़राब हो रहा था, जैसे इसे मिलीबग का जो अटैक होता है उसकी वजह से मुझे हर बार इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती थी। और नीचे से आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना है, इसके जो तने हैं इस तरह से हो जाते थे ये वाले, तो एक ये वाला भी एक डिसीज़ ही होती है, जैसे ये छोटे छोटे से हैं ये कोई इंसेक्ट होता है उसके, वो शायद घर बना लेता है इस तरह से, तो ये देखने में वैसे भी गंदा लग रहा था तो फिर मैंने सोचा था कि इसको निकाल देते हैं, तो फिर नहीं निकाल पाई, जैसे कई बार दिमाग से निकल जाता है और इस तरह से ये है इस पर अभी भी जैसे मिली वक्त की जैसे, तो ये बड़े अजीब से लगते हैं देखने में। और अभी इस पर मैं देख रही हूँ, आजकल यहाँ पे मदर ले आए थे इस प्लांट को और अभी इस पर फ्लावरिंग होनी भी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़े दिन पहले इस पर एक फूल निकला था तो तब मेरा ध्यान इस पर गया था। वैसे तो इसकी प्रूनिंग वगैरह करके मैंने ही इसको इस तरह से बांध के रखा था, इसकी जो टहनियाँ थी इधर उधर फैल रही थी, गिर रही थी, तो उससे क्या है ब्रांचेस टूट जाती हैं और जो प्लांट है उसकी जो देखने में अच्छा नहीं लगता और उसकी जो लुक है वो भी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको बांध दिया था, एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकाल दी थी। और अभी देखिए इस पर कैसे तीन तीन एक ही ब्रांच पे बड्स बन रही हैं, तो मोस्टली मतलब बन ही रही हैं ये, यहाँ पर तीन या चार होंगी और इधर भी बन रही है, तो इस तरह से अभी ये प्लांट चल पड़ा है। तो इतने साल से ये प्लांट नहीं चला है लेकिन अभी इस एज में आके अभी ये चला है, तो शायद कि कभी कभी हम प्लांट के साथ थोड़े से जल्दी कर देते हैं कि अभी इस पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो कहाँ मैंने इसको निकाल के फेंक देना था और कहाँ बीच पे फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मदर के पास भी थे ये और उनके पास और वैरायटी थी, उनको भी मैंने ही दिया था और मैंने दो प्लांट्स लिए थे, उसके पत्ते जो है काफ़ी डार्क ग्रीन है, अभी वो काट दिया है क्योंकि उस पर भी बहुत मिलीबग का अटैक हो गया था, वो बाहर ग्राउंड में लगा हुआ था, बहुत अच्छी उस पर बर्ड्स फूल आ रहे थे डेली और लोग जब काटा तो लोगों ने भी बोला इसको क्यों काट दिया, फूल आ रहे थे क्योंकि वो काफ़ी फैल गया था इधर उधर, उसकी प्रूनिंग भी की थी मदर ने कुछ टाइम पहले, लेकिन ज़मीन में होने के कारण उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी और इसलिए उस पर काफ़ी ज़्यादा फूल आ रहे थे और मिलीबग का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और था भी वो पुराना, जैसे प्रूनिंग कर करके प्लांट का जो तना होता है काफ़ी मोटा हो जाता है, प्लांट छोटा रहता है लेकिन तना उसका मोटा हो जाता है, तो उस पर काफ़ी मतलब उसके बड़े बड़े पत्ते हैं, इसके थोड़े से पत्ते अलग शेप में हैं, थोड़े मतलब कि लॉन्ग ज़्यादा हैं, वो वाइड ज़्यादा थे और इस पर भी अभी काफ़ी फूल आ रहे हैं, तो इतने साल पुराना प्लांट है अभी ये फ्लावरिंग करने लगा है तो देख के अच्छा तो लगता ही है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं तो फिर मन भी ख़राब होता है क्योंकि इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। वैसे तो ये कुदरत ही है, कुदरत ने सब कुछ बनाया है, लेकिन ये होता है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें रखते हैं और बाकी चीज़ें जैसे अनवांटेड होती हैं उनको निकाल देते हैं। तो इसी तरह से एक चंपा का प्लांट है, ये शायद मैंने लिया था, अभी मुझे याद नहीं है, ये एक मैंने जलंधर का BMC चौक है वहाँ पर एक प्लांट इसका लगा हुआ था, उस पर रेड कलर के फूल आते हैं मतलब, तो मैंने वहाँ से ब्रांचेस ली थी काफ़ी और फिर इनको ग्रो किया, तो घर में भी मेरे पास है लेकिन उस पर भी फूल नहीं आए हैं और यहाँ पर भी फूल नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, इसको थोड़ा और टाइम चाहिए, थोड़े लंबे टाइम के बाद इस पर फूल आएंगे, तो
इसको भी मदर बोल रहे थे कि निकालना है, तो अभी देखते हैं कि निकालेंगे या नहीं या फिर रखेंगे। तो वैसे तो अभी सर्दियां हैं तो इस तरह से पत्ते इसके येलो होके गिरते रहते हैं, तो थोड़ा इनको निकालना पड़ता है। लेकिन ये प्लांट जो है वैसे काफ़ी खूबसूरत होता है और इसके फूल भी काफ़ी खुशबूदार होते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। वाइट तो होती ही है चंपा, लेकिन जो रेड या थोड़ी पिंकिश टोन में होती है ये कॉमन नहीं होती, ये कहीं कहीं पे मिलती है, तो वो देखकर मैंने इसको लिया था। लेकिन इस पर भी अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो एक है ये जो चमेली का प्लांट है, सॉरी चमेली का नहीं, ये मधुकामिनी का प्लांट है, मधुमालती या मधुकामिनी ऐसे कुछ नाम है। तो ये भी मेरे पास ही था तो घर के बाहर लगाया हुआ था। इसको भी मैंने ऐसे ही 10 रुपये में लिया था और देखने में लगता नहीं था इसके इस पर फूल आएंगे, लेकिन काफ़ी कुछ जैसे मैंने इसकी प्रूनिंग वगैरह की उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा एक बार फ्लावरिंग हुई थी। और इस पर जो फूल आते हैं पता भी नहीं चलता जब आते हैं या खिलते हैं। एक तो मैंने इसको आउटडोर रखा हुआ था, दूसरा जो फूल होते हैं ऐसे छोटे छोटे से खिलते हैं, सॉरी बर्ड्स बनती हैं, फिर उसके बाद थोड़ा छोटा सा इतना सा फूल निकलता है, और जो फूल निकलता है तो काफ़ी खुशबूदार होता है और पूरे आसपास में खुशबू जो है फैल जाती है, काफ़ी अच्छा है। और ये वाला जो प्लांट है मुझे लगता है ये एक हैज प्लांट है, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसकी मैंने बहुत बार प्रूनिंग की है और इसका तना भी आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना हो चुका है, और इसको कटिंग से हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी जब शिफ्टिंग हुई थी हमारी तो यहाँ पर मदर प्लांट ले आए थे ये वाला, तो छोटे से पॉट में लगा हुआ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और अभी जो है वैसे तो अभी सर्दियाँ आएंगी, इसके पत्ते लगभग झड़ जाएंगे, सारे भी नहीं झड़ेंगे, तो फिर से बरसात में ये फ्लावरिंग करता है, जैसे मॉनसून आता है या फिर गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तब इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, और चलते चलते जब बारिश स्टार्ट हो जाती है गर्मियाँ चलते चलते फिर उसके बाद इस पर ढेर सारे फूल बनते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक करना, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।